नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर थर्ड हिंदी का, जिसका नाम है दोहे। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओड़े पीतू पटू साम सलोने गात मनो नील मानी सेल पर आतपू पर्यो प्रभात। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर को नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र सूर्य की धूप को कहा गया है। दूसरे दोहे में, कहलाना एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोबन सो कियो धीरत दाग निधात। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और शेर एक साथ बैठे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है, और जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष भुलाकर आपसी रंजिश भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरा दोहा, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सौ करे बोनू हसे देन कहे नाटी जाई। इसमें कवि गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराने जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियाँ ने श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में बोहे घुमाकर हंसने लगती हैं, यानी बाहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर देती हैं। चौथे दोहे में, कहत नटत रीझत छीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनू से ही सब बात। इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन एक दूसरे से आँखों ही आँखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका यानी कि हीरोइन इनकार से देती है, कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आँखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता। पांचवें दोहे में, बैठी रही अति सघन बन पैठित सदन तनमा देखी दोपहरी जेठ की छाँव छाती छाँ। कवि कहते हैं कि जून के महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। छठे दोहे में, कागज पर लिखित ना बनत कहत संदेशु लजात कही है सबु तेरो हियो मेरे हिये की बात। कवि कहते हैं कि नायिका अपने विरह अपने बिछड़ने की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने से उसे शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है यानी हीरो से कहती है कि तुम्हें अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरा हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दिशा से भली भांति परिचित हो। सातवें दोहे में, प्रकट भये दिजराज कुल सबसे बसे बज आई मेरे हलो क्लेश सब केशव केशव राई। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने चंद्र वंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सरे कष्टों का नाश कर दीजिए। आठवां दोहा, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामे मन काचे नाचे प्रथा राचे राचे रामू।
कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर ने का नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक कर लेने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं हो जाता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो, उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन प्लीज़, एंड चेक आउट द अदर वीडियोस ऑफ क्लास 10th हिंदी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।